चलो भाई, जो मैंने लास्ट टाइम सवाल कर रहे थे उनको अपन और आगे बढ़ते हैं। भाई एनएलएम पे जो अपन बातें कर रहे थे उसी को अपन और अच्छे से देखते हैं। अपन ने बेसिकली फ्री डायग्राम पढ़ लिया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ लिया था, बराबर dp/dt, अपन ने बोल लिया था बराबर एम ए, फिर मैंने आपको सिस्टम लेने कंसिडर करने सवाल कराए थे, एक तीन ब्लॉक वाला सवाल भी कराया था, उसमें नॉर्मल रिएक्शन लिखना भी सिखाई थी। उसी तरीके एक सवाल, जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि आपके पास ऐसे तीन ब्लॉक है, ठीक, वो टेंशन से रिलेटेड, वो नॉर्मल से था या टेंशन से, वैसा ही सवाल है, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है बस। मान लो मैं आपको बोलूं कि ये 5 किलो, ये 2 किलो, ये 3 किलो, मान लो एक पूरा सिस्टम है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, यहां पे हम 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। मैं आपसे बोलूं कि यहां पे टेंशन T2 है, यहां पे T1 है, क्या आपको T1 T2 निकालना आना चाहिए? सिस्टम का एक्सप्रेशन ए है, T1 T2 और ए आपको तीनों निकालने आने चाहिए। चलो स्क्रीन को पॉज करो 2 मिनट के लिए और सवाल करो। चलो अब सॉल्यूशन देखो भाई, सवाल कैसे करें, क्या इन तीनों का एक्सप्रेशन सेम रहेगा? सेम रहेगा तो तीनों को एक साथ ले सकते हैं, एक साथ ले सकते हैं, तो ध्यान से देखो तो कुल मिला के मास कितना हुआ, 3 किलो 2 किलो 5 किलो, और नेट फोर्स कितना हुआ, 20। कितना हुआ, 20। सब लोग बोलते हैं सर T1 T2 भी तो है, अरे T1 T2 तो अगर सबको एक साथ ले लें तो इस पे लगा T1 इधर, इस पे लगा T1 इधर, क्या कैंसिल हो गया? इस पे लगा T2 इधर, इस पे लगा इस पे, अगर खाली 3 kg को लूंगा तो T2 आएगा, पर अगर तीनों एक साथ ले लूंगा तो T1 T2 नहीं आएगा। तो अपन ने लिखा 20 बराबर 10 a, तो a की वैल्यू कितनी आई भाई, 2 m/s², बहुत बढ़िया। चलो अब सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 3 kg का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 3 kg का इधर लग रहा है T2, कितना लग रहा है T2, और एक्सेलरेशन कितना है 2 m/s², क्या लिख सकते हैं, T2 = 3 × 2, T2 = 3 × 2 = 6 newton, क्लियर एकदम, इसी में जो होती है। अगर आपने इसे T1 पूछा जाए तो 2 kg का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे देखो, इधर T1 इधर T2 और कुल मिलाकर एक्सेलरेशन 2 m/s², अगर ऐसा है यानी कि लिखा जाएगा T1 - T2 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 2 × 2, T1 - T2, T2 की वैल्यू 6 newton, 2 × 2 = 4, यानी कि T1 की वैल्यू आई, कितनी आई T1 की वैल्यू, 10 newton। सीखने योग्य बात की अगर ऐसे कोई भी 2 या 3 ब्लॉक वाले टेंशन या नॉर्मल के साथ सवाल होंगे तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं, बहुत नॉर्मल से सवाल होते हैं, कुछ कुछ सवालों की प्रैक्टिस में आपको जल्दी जल्दी करा देता हूं, आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। और सवाल देखिए अपन छोटे छोटे, मान लो कि इन ब्लॉक्स को इंक्लाइन प्लेन पे रख दे, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि एक पार्टिकल है थीटा एंगल पे रखा हुआ है, मान लो कि एक ब्लॉक है 2 किलो और ये है 1 किलो, पक्का दोनों को अगर छोड़ दें तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 एंड 1, एक अपने स्क्रीन को पॉज कर दे और सोच के आंसर बताए, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 एंड 1, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 एंड 1। चलो भाई ध्यान से देखो, स्क्रीन को पॉज करें 1 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो 2 और 1 के बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन है, क्या करें, देखो भाई, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन 2, 1, हाँ देखो पहले सोचो क्या इन दोनों को सिस्टम मान सकते हैं, अगर इन दोनों को सिस्टम मान लें तो क्या इन पर एक्सेलरेशन नीचे लग रहा होगा, क्या इन पर कुल मिलाकर याद कर नीचे लगेगा mg, क्या इधर आएगा mg sin थीटा, याद है कंपोनेंट लेना सिखाए थे, इधर mg sin थीटा, वेक्टर में भी आपको सिखाया गया था इधर 30g sin थीटा, बोलो क्लियर, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन अगर इधर की तरफ अपन माने तो फोर्स लिखा जाएगा 3g sin थीटा = 3 kg, बोलो क्लियर एकदम, तो एक्सलेशन की 3 × a, तो a की वैल्यू आई g sin थीटा। अरे तो वैसी बात है जैसे अगर सिंगल ब्लॉक को छोड़े, हाँ ऑब्वियसली वैसी बात है, दोनों को साथ में छोड़ा है तो वैसी बात है g sin थीटा। अब बोलो नॉर्मल रिएक्शन पे बात करें, अगर अपन बहुत अच्छे से समझे तो अपने समझ में आएगा कि 2 kg का एक्सलेशन कितना है g sin थीटा, कितना है g sin थीटा, तो 2 kg का अपन अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ध्यान देखो, तो इधर 220 बेसिकली 2g, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या 2g sin थीटा, और क्या एक्सेलरेशन भी इधर ही कितना g sin थीटा, पक्की बात, अगर 1 kg नॉर्मल लगाता तो क्या ऊपर लगाता, बिल्कुल लगाता, तो क्या लिखते 2g sin थीटा - normal = 2 × g sin थीटा, ओ हो 2g sin थीटा, नॉर्मल तो 0 आया, लॉजिकली भी सोचो, ये वैसी ही बात है कि अगर मान लो मैं आपको आपके ऊपर बैग रखकर, आपके स्कूल का बैग रखकर या कोचिंग का बैग रखकर मैं आपको नीचे फेंक दूं, कहां से, ऊपर से 3-4 मंजिल ऊपर से, तो जब आप नीचे गिर रहे होंगे क्या आपको उसको बैग का वजन महसूस होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप भी अंडर ग्रेविटी गिर रहे हो, वो भी अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन जी है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं,
ऐसा यहाँ पे इसीलिए हो रहा है। अगर खाली 1 kg को छोड़े तो क्या एक्सलेशन जी साइन थीटा है, खाली 2 kg को छोड़े तो भी क्या जी साइन थीटा है, दोनों को साथ छोड़े तो भी जी साइन थीटा है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे। मैंने इस बात को प्रूफ भी करके बताया, क्लियर है? क्योंकि जब भी एक इंक्लाइंड प्लेन पे, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे अपन किसी को ब्लॉक को छोड़ते हैं तो उसका जो एक्सलेशन जी साइन थीटा होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जैसे अपने मोशन ऑफ ग्रेविटी में ही पढ़ा था कि अपन ट्रक को छोड़े या छोटे से पार्टिकल को छोड़े, अंडर ग्रेविटी के दोनों का एक्सलेशन जी होगा। ये कुछ कुछ वैसी ही बात है। यहाँ पे जी की जगह जी साइन थीटा होगा, जी की जगह क्या होगा? जी साइन थीटा, है ना? ऐसे भी पूछ सकते हैं, मान लो मैं आपसे बोल दूं कि ऐसे 2 kg 4 kg दोनों को छोड़ दें, आपसे पूछा जाए कि ये 2 kg ये 1 kg कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है, छोड़ दिया, बताओ टेंशन क्या होगी, बताओ अपना आंसर क्या होगा? वही जीरो, क्योंकि दोनों जी साइन थीटा से नीचे आ रहे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा भाई, चलो भाई, और किस किस वैरायटी तक क्या अपन सवाल कर सकते हैं देखते हैं, और देखते हैं। मान लो मैं आपसे बोलूं टेंशन की और किस प्रकार के सवाल देते, ऐसे एक ब्लॉक ले लो 1 kg का, ठीक है, और ऐसे इसको बांध लो यहां से, और ये एंगल 37 degree है, ठीक, ये T1 ये T2, क्या आप T1 T2 निकाल सकते हो? चलो स्क्रीन को रोक लो और निकालो, है ना, स्क्रीन को रोक लो और निकालो, चलो करो सब, है ना? अब सुनो, चलो भाई, अच्छा ये T1 और ये T2 और ये 1 kg, अच्छा, देखो ध्यान से, ये 37 degree, ये कितना 37 degree, ध्यान देखो, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? किसमें है? इक्विलिब्रियम में। अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, मतलब हर डायरेक्शन में क्या नेट फोर्स जीरो है, अगर हर डायरेक्शन नेट फोर्स जीरो, तो इधर कितना, देखो T1 को इधर रिजॉल्व कर लो तो इधर आएगा 4 T1/5, ऊपर आएगा 3 T1/5, इधर आएगा T2, नीचे आएगा 10 1 g मान लेते हैं अपन, तो क्या 3 T1/5 इक्वल्स टू क्या g एंड क्या T2 इक्वल्स टू 4 T1/5, कोई बुराई वाली बात? तो T1 की वैल्यू आई 50/3, तो T2 की वैल्यू भी आ गई, दोनों इक्वेशन सॉल्व करते ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस तरह के सवाल होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नो नॉर्मल हो गया, देखो आओ, चलो उतार लो, स्क्रीन पॉज करो और उतार लो, और सवाल देखो, और किसी इस प्रकार के सवाल होते हैं, देखो ध्यान से। मान लो मैं एक गोला ले लूं ऐसे, ठीक, उस गोले को ऐसे दो इनके बीच में रोक दो, क्लियर, इस प्रकार, है ना, ठीक है, ओके। मान लेते हैं कि ये दूरी 6 meter है और रेडियस 5 meter है और इसका मास 5 kg है, क्लियर। तो आपसे पूछा गया नॉर्मल एग्जर्टेड बाय द कॉर्नर्स ऑन द बॉल, नॉर्मल एग्जर्टेड बाय द कॉर्नर्स ऑन द बॉल। चलो स्क्रीन पॉज कर लो, सवाल करो, स्क्रीन पॉज कर लो, सवाल करो, ठीक। मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहता हूं, जब भी कॉर्नर्स आते हैं, क्या आते हैं? कॉर्नर्स, तो हमें कंफ्यूजन होता है, सर ने बोला था कि कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस होती है, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस होती है, पर सर इसमें तो कॉन्टैक्ट सरफेस एक पॉइंट है, कॉन्टैक्ट सरफेस एक पॉइंट है, अब क्या करें सर, हम कैसे बात बनेगी सर, है? चल, तो आपको कुछ ऐसी बात समझनी चाहिए कि जैसे ऐसे कंफ्यूजन हमें कई बार और भी आएगा जब आप लैडर प्रॉब्लम्स करोगे। देखो मैं आपको समझा देता हूं नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में। मान लो कि आपकी ऐसे लैडर है, लैडर समझते हो, सीढ़ी, अरे सीढ़ी ऐसे रखते हैं, तो जिसका पॉइंट टच हो रहा हो और जिसकी सरफेस पे बात करनी हो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे लेते हैं, मतलब ये वाली सरफेस इस पे नॉर्मल ऐसे लगाई, क्लैरिटी आई? इसका तो पॉइंट है पर इसकी तो पूरी सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल ले लो इस पे लगने वाला होगा, क्लियर एकदम? ऐसे इसका तो पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल। मान लो इस सिचुएशन को ऐसे ले लेते हैं तो कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको, आपको क्लैरिटी आएगी नॉर्मल की डायरेक्शन के बारे में। देखो ऐसे मान लो लैडर रखी हुई, अब सोचो इसका पॉइंट है कि नहीं है, है ना, इसका पॉइंट है पर इसकी तो पूरी सरफेस है नॉर्मल, ऐसे यहां पे नॉर्मल ऐसे और यहां पे नॉर्मल ऐसे, बोलो चमका एकदम, यानी कि अगर इन कॉर्नर से मैं नॉर्मल रिएक्शन लेना चाहूं तो इनसे इस सरफेस पर ऐसे नॉर्मल लगेगा एन, है ना,
और इसकी वजह से ऐसे लगेगा यहां पे भी एन। क्लियर? अब सिंपल सी बात अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देगा कि ये थीटा तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा, पहले थीटा देख लेते हैं, ये पांच ये छह ये तीन, ये तीन ये पांच तो ये चार, यानी कि थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। क्लियर? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो नॉर्मल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट गए, नॉर्मल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट गए और वर्टिकल जुड़ गए, तो ध्यान से देखो तो क्या 2n cos θ = mg, 2n cos θ = mg, यानी कि 50, यानी कि 2 into n into cos θ की वैल्यू कितनी हुई, cos θ की वैल्यू cos 37 is 4/5 = 50। बोलो क्लियर है एकदम? यानी कि n की वैल्यू आई 250/8, कितनी आई 250/8, इस तरीके सॉल्व करे जा सकते हैं। देखो आप क्लियर है क्या? पक्का? चलो एक और बढ़िया सवाल कराता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से, चलो इसे उतार लो स्क्रीन पॉज करके, है ना, और देखो सवाल, एक अच्छा सवाल और ऐसे अपन ले लेते हैं। मान लो एक सवाल आपको ऐसे दिया गया कि ये 30 डिग्री है ना और ये ऐसे 45 डिग्री, ठीक, इनके बीच में एक स्फीयर फंसा हुआ है ऐसे, समझे आपको, ऐसे 30 डिग्री और ऐसे 45 डिग्री, क्लियर, और ये अपना आर, जो भी डिग्री इसकी जरूरत है वो अपन ने ले ली। अब बेसिकली मान लो कि इसका मास जो है, इसका मास है सपोज करो 2 kg, इतना 2 kg है ना, रेडियस अगर जरूरत पड़े तो 1 meter ले लो, ठीक। अब आपसे बोला गया ये भी एक प्लेन है ये भी एक प्लेन है, नॉर्मल रिएक्शंस n1 एंड n2 दोनों पता करना है आपको, किसकी वजह से n1 n2, इसकी वजह से n1 और इसकी वजह से n2 दोनों पता करना है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, स्क्रीन पॉज कर दो, करो। चलो सुनो, m = 2 kg, r = 1 meter, इस सवाल को कैसे करेंगे ध्यान से देखो आप, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगेगी, देखो इसको, देखो ये वाला जो ये, ठीक, ये एंगल कितना है देखना भाई, 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, तो देखो ऐसे नॉर्मल डलेगा इसके परपेंडिकुलर, ऐसे, इसे n1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, n1, डायग्राम को ध्यान से देखना, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो नॉर्मल है n1, देखो ये यहां से ऐसे देखो, ये 30 तो ये 30 तो ये भी 30, सही कर रहा हूं क्या, हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूं, देखो ठीक, ऐसे ही अगर आप इसके दूसरे वाले ऊपर वाले इंक्लाइंड प्लेन से डायग्राम को देखो तो आपको दिखाई देगा, देखो कैसे, देखना सब लोग गड़बड़ नहीं करें, ये ऐसे है और ये ऐसे, ये एंगल कितना है 45, अब देखो ये ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर नॉर्मल ही हूं, n2 ऊपर से लगेगा ना, तो n2, क्लियर, तो देखो ये एंगल कितना होगा 45, ऑब्वियस सी बात है ना, ये 45 45 45 चल रहा है, तो ऐसे अपना है, तो देखो तो ये 45 तो ये 45 तो ये भी 45, क्लियर। अब देखो इसका रियल टीम में डायग्राम बना लो कैसा बनेगा, तो अगर आपने इस गोले का डायग्राम बनाया तो देखो एक n1 आ रहा होगा ऐसे, कितने एंगल पे 30 डिग्री पे, एक n2 आ रहा होगा ऐसे, कितने एंगल पे 45 डिग्री पे, और इसका वेट नीचे लग रहा होगा, इसकी वैल्यू अपन ने ली है 20 न्यूटन, कितनी ली है, क्या इन तीनों के फोर्सेस से बैलेंस्ड है, इन तीनों के फोर्सेस से ये बैलेंस्ड है, अगर बैलेंस्ड है तो हॉरिजॉन्टल वाले भी इक्वेट होने चाहिए और वर्टिकल वाले, क्या हॉरिजॉन्टल वाले में लिखना चाहिए n1 cos θ = n2 cos 45, बिल्कुल सही, और वर्टिकल में क्या लिखना चाहिए n1 sin θ = 20 + n2 cos 45, क्या आपके पास दो इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं दो, क्या अपन सॉल्व कर सकते हैं, खत्म, क्या अपन सॉल्व कर सकते हैं, यस अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो अपन सॉल्व कर ले सवाल, खत्म, कर सकते हो क्या, चलो स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो, स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो, चलो भाई और देखो और सवाल करते हैं, किस किस तरह की इसमें सवाल आते हैं, ये अपने कुछ एनएलएम के बेसिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस, एफ बराबर एमए क्वेश्चंस, इसे बेसिक बेसिक सवाल होते हैं ना, वो ये सवाल है, ठीक है। हम और आगे बढ़ने से पहले अपन छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं ताकि अपन उसको कर लेंगे, याद करो मैं आपको न्यूटन के 3 नियम बता चुका हूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ कि अगर वो बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो तो इफ इट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट विल कंटिन्यू टू मूव, न्यूटन सेकंड लॉ एफ बराबर dp/dt, ऐसे ही न्यूटन थर्ड लॉ भी है, क्या है न्यूटन थर्ड लॉ, उसे समझ लो फिर धीरे धीरे अपन उसकी बात समझेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, समझे न्यूटन थर्ड लॉ,
न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. फॉर एवरी एक्शन, एक बेसिक स्टेटमेंट जो इसका है वो है फॉर एवरी एक्शन देयर इज, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. आपने जरूर ये स्टेटमेंट सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में भी. अपोजिट रिएक्शन में आपको छोटी छोटी सी बातें समझा देता हूं. बेसिकली अगर अपन बात करें कि जैसे अपन नॉर्मल सी बात करते हैं, मान लो मैं आपको बोलूं कि एक चार्ज पार्टिकल है, प्लस और माइनस चार्ज जानते हैं सब लोग, प्लस क्यू और माइनस क्यू. बताओ प्लस क्यू और माइनस क्यू में रिपल्शन की अट्रैक्शन, अट्रैक्शन. क्या ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा? क्या ये वाला इस पर लगाएगा? बिल्कुल. ये फोर्स इस पे लगा, ये फोर्स इस पे लगा, क्लियर. अगर इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इस पर और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है, और क्या ये एक ही बॉडी है कि डिफरेंट बॉडी है? डिफरेंट बॉडी है, क्लियर. और नेचर ऑफ फोर्स शुड बी सेम. मतलब नेचर मतलब ये जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ऐसा नहीं इस पे लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस पे लगे ग्रेविटेशन, और दोनों अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कहलाएंगे. क्या होना चाहिए? क्या फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन की कंडीशन क्या है? टू डिफरेंट बॉडीज पे लगने चाहिए, टू डिफरेंट बॉडीज पे फोर्स लगने चाहिए, दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए. नेचर शुड बी सेम, शुड बी सेम, बिल्कुल सही बात है, पक्का. उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए? नेचर टू डिफरेंट बॉडीज पे लगनी चाहिए, नेचर शुड बी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, पक्का. और क्या सेम होना चाहिए? डायरेक्शन शुड बी अपोजिट, डायरेक्शन शुड बी अपोजिट. जैसे ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इसका मतलब बेसिक ये है, कब हम बोलेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा है? तो उसने बोला कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो लॉ होगा उसे समझे, पर वो क्या चीज है? ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा जो फोर्स होगा, वो फोर्स किसी भी तरीके हो सकता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि नहीं है, पर दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा, उसकी नेचर सेम होनी चाहिए. मतलब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा तो इस पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस पे ग्रेविटेशन तो इस पे भी ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लियर. इस पे कॉन्टैक्ट तो इस पे भी कॉन्टैक्ट, इस पे फ्रिक्शन तो इस पे भी फ्रिक्शन, है ना, इस तरीके की बात. मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, मतलब इस पे लगा 5 न्यूटन तो इस पे भी लगा 5 न्यूटन, और डायरेक्शन शुड बी अपोजिट, डायरेक्शन शुड बी अपोजिट. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर उन्हें एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर. और अपन कहते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब जितना देंगे उतना हमें मिलेगा टाइप्स. जैसे इसमें समझे अपन, ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या इस तरीके की बात अगर करी जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर दोनों पे चर्चा करी जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में माइनस क्यू या प्लस क्यू, क्या दोनों पे नेचर सेम है? हाँ. क्या दो डिफरेंट बॉडी है? हाँ. क्या मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ, हमने प्रैक्टिकली देखा. क्या दोनों डायरेक्शन बोलते हैं? हाँ. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर. कैसा पेयर? एक्शन रिएक्शन पेयर. बोलो क्लियर है क्या? है ना. ऐसे ऐसे अपन देखो, जैसे मान लो अपन सन और अर्थ ले लें. क्या ले लें? सन और अर्थ. ठीक, इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है आपको पता है? ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करती, फिर भी इन दोनों में कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल, जिसको आप जानते हो तो वो होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर. मैं अभी ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, पर बात समझा रहा हूं. जितना फोर्स अर्थ सन पे लगा रही है उतना सन अर्थ पे लगा रही है. हाँ. क्या दोनों नेचर सेम है? हाँ. क्या दो डिफरेंट बॉडी? हाँ. क्या डायरेक्शन बोलते हैं? हाँ. मतलब क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? कैसा पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर. कैसा पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर. कोई बुरे वाली बात नहीं है. लो, हो गया सन अर्थ. ऐसे ये ग्रेविटेशन का एग्जांपल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जांपल हो गया. और देखो, इसे मान लो मैं आपको बोलूं कि आपकी एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है? ब्लॉक. ठीक, अगर बहुत ध्यान से देखो तो उसपे ऊपर लग रहा है नॉर्मल और नीचे क्या लग रहा है? एमजी. क्या है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है? एन बराबर एमजी. यस. क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? Is normal and mg are action reaction pair. तीस सेकेंड स्क्रीन को पॉज करके सोचो, इज नॉर्मल एंड mg आर एक्शन रिएक्शन पेयर. अब सुने, नहीं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है. दोनों बराबर हो गए अपोजिट में, इसका मतलब थोड़ी एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए. देखो, पहली कंडीशन वॉलेट हो गई कि दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं कि एक ही पे.
एक ही भी तो लग रहे हैं, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। दूसरी कंडीशन में वॉलेट है, नेचर शुड बी सेम। नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। एमजी कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सर बात थोड़ी सी कम समझ में, मैं और समझाता हूं, देखो इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं, धरती माता को बनाते हैं और समझते हैं। देखो मान लो धरती माता पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो समझे इनमें दो फोर्सेस जनरेट हुए। एक फोर्स वो जो धरती ने इस पे नीचे लगाया अट्रैक्शन की वजह से, एमजी। सोचो अगर मैं हवा में होता तब भी एमजी लगता, अगर मैं सरफेस में रखा होता और एमजी मैं हवा में होता, ये ब्लॉक हवा में होता तब भी क्या एमजी लगता? इसी की वजह से तो वो नीचे आता। आता नहीं आता? बिल्कुल आता। जितना फोर्स इस ब्लॉक ने इस पे लगाया उतना ही फोर्स अर्थ ने पर भी उस ब्लॉक ने लगाया। क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है? हाँ। फिर अर्थ ने कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर लगाया नॉर्मल सरफेस पर, उतना ही नॉर्मल क्या ब्लॉक ने भी लगाया अर्थ पर? हाँ। बोलो क्लियर? हाँ, क्योंकि रुका हुआ इसलिए n बराबर mg हो गया। पर एक्शन रिएक्शन पेयर कौन कौन है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है पक्का, एंड ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। बोलो क्लियर है एकदम? ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है और ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? क्या चीजें याद रखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ के लिए? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो अपन जिसपे जितना दबाव लगाएंगे उधर से भी अपने को उतना ही दबाव आएगा। क्लियर है एकदम? है ना? चलो और देखो। तो ये अपनी बेसिक बात थी न्यूटन थर्ड लॉ की। किसकी बात थी? न्यूटन थर्ड लॉ की। इसे थोड़ा सा जहन में रखें, अब अपन याद रखें, धीरे धीरे सवाल बढ़ते जाएंगे तो इसकी एप्लीकेशन हम बढ़ते जाएंगे और इसके सवाल हम करते जाएंगे, है ना? चलो भाई और देखो, उतार लो ये सब। अगर नहीं उतारे तो स्क्रीन पॉज करके उतार लो ये सब। चलो और देख, इधर सुनो। देखो अब अपन अगर और बात करें तो अपन सिंपल पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स करते हैं। कौन सी? पुली ब्लॉक। मैं आपको सिंपल सिंपल सवाल बताता हूं। पहली बार पुली ब्लॉक प्रॉब्लम में हम कुछ कुछ बातें मान लें कि जो हम पुली मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? पुली। अभी हम जो मान रहे हैं बाद में रोटेशन में हम उसे ऐसे भी मानेंगे। उस पुली को हम मासलेस मान रहे हैं एंड फ्रिक्शनलेस मान रहे हैं। कैसी मान रहे हैं? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। और जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं उसे भी हम मासलेस ले रहे हैं और उसे हम इनएक्सटेंसिबल ले रहे हैं। इनएक्सटेंसिबल का मतलब कि हम उसे खींच के लंबी नहीं कर सकते, मतलब उसकी लेंथ कॉन्स्टेंट रहेगी। तो ये अपनी स्ट्रिंग और पुली की कहानी है। किसी कहानी है? पुली। पुली समझते हैं आप सब लोग, जो आपने कुएं पर देखी होगी या पुली इस तरह की चीज होती है उसे अपन पुली कहते हैं, है ना? तो पुली ब्लॉक सिस्टम में अपन इन चीजों का यूज लेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि एनएलएम में अपन इस तरीके की चीजें इनको मानेंगे। अब जैसे अपन एक बेसिक सवाल से चालू करते हैं कि मान लो हम ऐसी बात करें कि एक ब्लॉक है, ऐसे एक पुली है, ऐसे एक ब्लॉक है, मान लो ये 2 किलो का ब्लॉक है, मान लो ये 1 किलो का ब्लॉक है। आपसे पूछा जाए बताओ टेंशन और एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों ब्लॉक्स का। पहली बात जो हमने कंस्ट्रेंट में सीखी कि अगर इसका एक्सेलरेशन ए नीचे होगा और अगर स्ट्रिंग की लेंथ कॉन्स्टेंट है तो क्या इसका भी ए ही होगा? पक्की बात, ये बात तो क्लैरिटी है। ठीक भाई, अब कुछ भी नहीं करना होता इन सवालों में। ध्यान से देखो, क्या 2 kg पे क्या फ्री ब्लड भी बना हो तो क्या ऊपर टेंशन टी लग रहा है? क्या इसमें राइट में टेंशन टी लग रहा है? इस पे देखो तो क्या नीचे 20 भी लग रहा है? इस वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो क्या 20 - t = 2a? क्या एफ नेट बराबर एमए की इक्वेशन लगा दी 20 - t = 2 into a? ऐसे अगर 1 kg में हॉरिजॉन्टल में देखो तो सिर्फ टी लग रहा है, t = 1 into a। बोलो कितनी इक्वेशन? 2। कितने वेरिएबल? 2। क्या सॉल्व कर सकते हैं? दोनों को जोड़ते ही टी कट जाएगा, 20 की वैल्यू कितनी आई? 3a। क्या आई? 3a। a की वैल्यू कितनी आई? 20/3। खत्म। देखो लो हो गया। ऐसे सिंपल सिंपल करना होता कोई सा भी सवाल हो, अच्छे से देख। 20 - t = 2a, t = 1a, 20 = 3a, a = 20/3। चमका एकदम अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया। बेसिकली आप ध्यान से देखो तो इस पूरे सिस्टम पे अपन अगर बहुत तेज बुद्धि चलती हो तो अपन इसे नेट पुलिंग फोर्स मेथड से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई मेथड नहीं है, कोई नया डरो मत। जैसे सोचो इस पूरे सिस्टम को कौन सा फोर्स खींच रहा है, एक्सेलरेट कौन कर रहा है? 20। और टोटल मास कितना है? 3। तो 20/3
अच्छा कर सकते हैं, अभी समझाता हूँ कैसे। देख पहले मैं आपको एक सवाल और कर रहा था सिंपल एटवुड मशीन वाला, देखो ध्यान से कि अगर इसका मास 10 किलो है, कितना है 10 किलो है ना, ये हमेशा अप्लीकेबल नहीं होगा, कभी कभी हो जाता है पर अक्कल लगानी होगी, ये 10 किलो ये 2 किलो। अब आपसे पूछा जाए दोनों का एक्सेलरेशन बताओ, बिल्कुल बताएंगे, देखो अच्छे से क्या करेंगे, देखो इधर ये 10 किलो ये 2 किलो, देखिए इधर अच्छे से, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो 10 किलो 2 किलो एक बात समझ में आती है कि अगर ये ए से नीचे जाएगा तो ये ए से ऊपर जाएगा, ये हमने कंस्ट्रेंट से पता करा, इसमें टेंशन टी ऊपर ऐसे 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 ऐसे, चलो इसमें इक्वेशन लिखो, इसमें नीचे 100 नीचे लग रहा है और इसमें 20 नीचे लग रहा है, चलो इसमें इक्वेशन लिखो, क्या नीचे की तरफ एक्सप्रेशन है तो 100 ज्यादा माना गया, यानी कि 100 माइनस टी बराबर 10 इंटू ए, बोलो सही है क्या, इसमें कौन ज्यादा माना गया, क्योंकि एक्सप्रेशन ऊपर माना गया इसलिए टी को ज्यादा माना गया, इन बातों का ध्यान रखें, टी माइनस 20 बराबर 2 इंटू ए, बोलो क्लियर, दोनों को जोड़ दो, टी ने टी को मार दिया, बचा कितना 80 बराबर 12 ए, की वैल्यू आई 80 बटे 12, कितनी आई 80 बटे 12, 40 बटे 6, 20 बटे 3, अरे हाँ ना बोले यार, चलो भाई बहुत बढ़िया हो गया। मैं इसको और बुद्धि से भी सोच सकता था, सोच इसको नेट फोर्स कितना खींच रहा है, इधर से 100 और इधर से 20, तो नेट कितना हुआ, सोचो इधर से 100 खींच रहा है उधर से 80, कितना बचा सोचो 80, तो 80 बटे 12 है ना, पर ऐसे हमेशा करो ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही देखो सिंपल सवाल हम ऐसे इसे उतार लो, स्क्रीन पॉज करो उतार लो, कैसे सवाल है, इनकाइंड प्लेन पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देखो मान लो कि ये 37 डिग्री है, मान लो कि ये 53 डिग्री है, मान लो कि ये 2 किलो है, मैं कह रहा हूं ये भी 2 किलो है, चलो बताओ क्या एक्सेलरेशन होगा सिस्टम में पार्टिकल्स का, स्क्रीन पॉज करो और एक मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करो और सवाल को करो, चलो कर लो सब लोग, चलो सुने, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो दो के इधर कंपोनेंट नॉर्मल में बताए थे, इधर आया था 2g sin थीटा, इधर आया था 2g cos थीटा, याद है भूल गए हो, ये 2g sin थीटा का मतलब 20g sin 53 का मतलब हुआ 16, ठीक, और इधर हुआ 20 sin 37 मतलब हुआ 12, बताओ कौन ज्यादा 16 की 12, 16 मतलब कि अपन इधर चलेंगे तो क्या एक्सेलरेशन ए इधर मान ले, इसका एक्सेलरेशन ए इधर मान ले, क्या इधर टेंशन टी मान ले, इधर टेंशन टी मान ले, कोई बुराई वाली बात, बोलो क्लियर एकदम, आप सोचो तो इधर एक्सेलरेशन कितना, लिखो इक्वेशन लिखो 16 माइनस टी बराबर 2a, उधर इक्वेशन लिखो टी माइनस बराबर 2a, दोनों को जोड़ दो, टी ने टी को मार दिया, 16 माइनस बराबर 4 बराबर 4a, a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो आया कि नहीं आया, आ गया क्या पक्का, लो अगर आपको बात समझ में आती हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो स्क्रीन पॉज करो और करो, और देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, हम देखो पुली में याद करो हमने कंस्ट्रेंट में बहुत अच्छे अच्छे सवाल करे थे, मैं आपको एक सवाल बना के बताता हूँ, देखो आपको अच्छा लगेगा, इधर सुनो, मान लो एक सवाल ऐसा ले लेते हैं अपन, ठीक, देखो याद है ना कंस्ट्रेंट में ऐसे बहुत सारे सवाल करे थे, पहली बात जब दो स्ट्रिंग आ जाए तो चीजों को समझे, मान लो कि ये है 20 केजी और ये है 5 केजी या 2 केजी, अब एक्सेलरेशन पूछा जाए, पहली बात क्या इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम है, नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग से बंधे हुए नहीं है, तो पहली बात हम वेरिएबल्स ढूंढे, क्या ढूंढे वेरिएबल्स, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी1, इसमें भी टी1 एक ही स्ट्रिंग है, यहां पे टी1 की टी2, अच्छा कुछ बातें समझे, ये पुली जो हम लेते हैं मासलेस होती है, कैसी होती है मासलेस, क्या इस पुली का एक्सेलरेशन है, हाँ है, अरे पर एक्सेलरेशन हो पर मास कितना है, बोलो मास कितना है, जीरो, अगर मास जीरो है तो क्या नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि एफ नेट बराबर एम ए में, क्या एम अगर जीरो है तो क्या एफ नेट भी जीरो है, यानी कि कुछ भी हो ऐसी मासलेस पुलिस के दोनों तरफ क्या टेंशन सेम होनी, सॉरी क्या नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, हाँ, इस पुली को देखो तो नीचे लग रहा है 2t2 और ऊपर लग रहा है t1, मतलब क्या 2t1 इक्वल्स टू t2, बिल्कुल सही, 2t1 इक्वल्स टू t2, बिल्कुल सही बात है, एकदम 110% सही सर, तो 2t1 t2 इक्वल्स टू t1, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा, अब देखो एक इक्वेशन तो आ गई भाई, सोच के देखो तो आपके पास कितने वेरिएबल है, चलते हैं, चलो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन नीचे है a1 और मान लेते हैं इसका भी एक्सेलरेशन नीचे है a2, ठीक है, क्या a1 a2 में रिलेशन निकाल सकते हो, कहां से, कंस्ट्रेंड,
याद है, इसलिए इन सब सवालों के लिए कंस्ट्रेंट भी आना चाहिए। मैं एक दो सवाल ही कराऊंगा, बट मैं आपको रिलेटिव में बताऊं, जितने भी सवाल आपने कंस्ट्रेंट में करे वो सब आप यहां पे बना बना के रख सकते हो और उनमें बासेज रख के बड़ा सवाल बना सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो ध्यान से, इधर देखो, ये टी वन, ये टी टू, ये ए वन, ये ए टू। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो भाई, पहली बात, हमारे पास चार वेरिएबल है, टी वन, टी टू, ए वन, ए टू। कितने इक्वेशन चाहिए? चार। एक तो आ गई, पहले ऐसे सोचो कि आप कितनी इक्वेशन ला सकते हो, समझते हो, किस पे बराबर में लगा सकते हो? हाँ आ गई। किस पे बराबर में लगा सकते हो? हाँ आ जाएगी। इसमें लगा सकते हो? लगा ली। जितनी भी चीजें, पुली और ब्लॉक, कौन पे इक्वेशन लगा सकते हो? लगा सकते हो, तो उतनी तो आई गई, पर कितनी चीजें? एक, दो, तीन। और इससे कुछ नहीं आएगा, इससे आएगा तो एक और ऊपर का वेरिएबल बढ़ जाएगा, तो तीन तो आ गई। चौथी कहां से आएगी? कंस्ट्रेंट से। कहां से आएगी? कंस्ट्रेंट से। देखो ये ए वन, तो क्या ये पुली भी चलेगी ऊपर ए वन से? अब याद करें, फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सप्रेशन ऑफ ए प्लस एक्सप्रेशन ऑफ बी बाई टू। क्लियर है ना? देख, ये तो जीरो, या पॉइंट मेथड से बताता हूं, जीरो प्लस ए वन प्लस ए वन प्लस ए टू इक्वल टू जीरो। तो ये भी बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा, यानी कि हमने बोला कि ए टू इक्वल टू माइनस टाइम्स टू ए वन, ए टू इक्वल टू माइनस टाइम्स टू ए वन, है ना? ओके, तो ए टू इक्वल टू माइनस टाइम्स टू ए वन। अब क्या करें, अब क्या करें? देखो, ए टू इक्वल टू माइनस टू ए वन, सिंपल एक रिलेशन ही और आ गया हमारे पास। अब इस पे इक्वेशन लिखो, देखो, 20 माइनस टी वन इक्वल टू 20 ए वन, है ना? इस पे इक्वेशन लिखो, 20 नहीं 200, ये तो 20 के जी ना, 200 माइनस टी वन इक्वल टू 20 ए वन, बिल्कुल सही। इस पे लिखो, 20 माइनस टी टू इक्वल टू 2 ए टू। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन, चलो बताओ कितने वेरिएबल, कितने वेरिएबल? चार। कितनी इक्वेशन? चार। सॉल्व कौन करेगा? तुम। जो भी आंसर आए वो सही है, मैं आपको इक्वेशन लिख लिख के बता रहा हूं, है कि नहीं है ना? मैं आपको एक और टफ सवाल देता हूं, आराम से पांच मिनट ले और सवाल को करें। कैलकुलेशन है, कंसेप्ट बता चुका हूं। आइए देखिए, सब लोग सही करेंगे। चार किलो, दो किलो, दस किलो, क्लियर? चलो, सब जगह एक्सेलरेशन और टेंशन बतानी है, वैसा ही सवाल है। पांच मिनट स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई करो, और जो इक्वेशन मैं लिखूं उन्हें ध्यान देना, ठीक है? एक काम करते हैं, आप अब करो सॉल्व। पहले अपन वेरिएबल्स मान लेते हैं, ये टी वन, ये टी टू, ठीक, इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लो ए वन, इसका नीचे मान लो ए टू, इसका भी नीचे मान लो ए थ्री। अब आपके पास कितने वेरिएबल है? पांच। कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? पांच। चलो, सब लोग पांच इक्वेशन लिख दो, चलो सब लोग पांच इक्वेशन लिख दो। स्क्रीन पॉज करो पांच मिनट और लिख लो। आप सुनो, वही सिंपल तरीका, पहले सारी इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर कंस्ट्रेंट की लिख लेंगे। आपको अगर समझ में आए तो ये ए थ्री किधर? ऊपर, तो ये ए थ्री ऊपर, बोलो क्लियर? पुली पर अगर फॉर्मुला लगाए तो क्या लगाएंगे? देख यहाँ पे, क्या ये ए टू ए वन बढ़ा रहा है? हाँ। क्या ए थ्री भी बढ़ा रहा है? हाँ। क्या ए थ्री भी बढ़ा रहा है? हाँ। क्या ए टू भी बढ़ा रहा है? हाँ। तो ये अपनी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन होगी, पहली इक्वेशन, बोलो क्लियर? चार के जी पे इक्वेशन लिखो, 40 माइनस टी टू इक्वल टू 4a2। सेकंड इक्वेशन, 20 माइनस टी टू इक्वल टू 2a1। तीसरी इक्वेशन क्लियर एकदम, पुली पे इक्वेशन लिखो, टी वन इक्वल टू 2t2। चौथी इक्वेशन, पांचवी इक्वेशन, इस पे देखो, 100 माइनस टी वन इक्वल टू 10a3। देखो पांचों इक्वेशन सही लिखी है क्या? सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैं कितना भी बड़ा सवाल बना सकता हूं, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो आराम से इन इक्वेशन को लिखो, दो मिनट अपनी स्क्रीन को पॉज करो, है ना, और लिखो इनको। अब आप ये बात समझ लो कि मैं ऐसे बहुत सारे सवाल बना सकता हूं, अपन चाहे तो पूरा एक घंटा इस पे निकाल सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं।
आपको उसको प्रैक्टिस करनी है ना। तो आराम से अपनी स्क्रीन को 2 मिनट पॉज करो और इन्हें समझो, कोई गड़बड़ तो नहीं है, और देखें आगे, है ना। चलो याद कर, मैंने कंस्ट्रेंट के टाइम एक और सवाल ऐसा कराया था, देख याद आया कुछ कुछ। देख यहां पे भी कर सकते हो, इसे 4 केजी ले लो और इसे 1 केजी ले लो, दोनों का एक्सेशन सेम है, अलग अलग है, सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है, याद है कंस्ट्रेंट से अपन ने करा था। चलो 2 मिनट स्क्रीन पॉज करो, सवाल करो वाला, सब जगह टेंशन और एक्सप्रेशन बताना है आपको। चलो 2 मिनट स्क्रीन पॉज करो, चलो सॉल्यूशन देखो। अगर हम ध्यान देखें तो यहां पे टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, तो पूरी एक स्क्रीन में टी टी टी। ध्यान देखो तो ये टी टी, अगर इस पुली पे देखे तो ये टी तो नीचे खींचने वाला टूटी, तभी ऐसी बैलेंसिंग होगी, वरना बैलेंसिंग नहीं होगी। तो यहां पे टूटी और यहां पे भी टूटी, ठीक। अब तेरे को याद है तो मैंने बोला था कि इसका एक्सप्रेशन अगर A1 हो और इसका ऊपर A2 मान लो, तो पहले कंस्ट्रेंट लिखते हैं। देखो 0 - A2 - A2 - A2 - A2 + A1 = 0, यानी कि A1 = 4A2। बोलो क्लियर, एक इक्वेशन आ गई है ना। चलो 1 केजी पे देखो तो नीचे लग रहा है 10, यानी कि 10 - T = 1A1। एक और इक्वेशन आ गई 2A1, ये कंस्ट्रेंट की, ये इस ब्लॉक की। 4 केजी की देखो, 4 केजी की अगर इक्वेशन देखे तो 4 केजी पे इधर लग रहा है 2T, इधर भी लग रहा है 2T, नीचे लग रहा है 40। बोलो क्लियर, हमने A2 को बड़ा माना है, यानी कि 40 - 40 = 4A2। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या, सॉल्व कर लेंगे। कितनी इक्वेशन, 3, कितने वेरिएबल, 3, सॉल्व कौन करेगा। तो अब अपने में बात समझ में आती है कि कंस्ट्रेंट में जितने सवाल हमने करे थे वो सब यहां पे मासेज लगा के करे जा सकते हैं, और कितना भी टिपिकल करा जा सकता है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इसमें सवाल करते हो। बाकी कंसेप्ट इतना ही है, कंसेप्ट इतना ही है। बोलो क्लियर, पक्का, ओके। तो ये अपने कंस्ट्रेंट को मिला के NLM के सवाल थे।